Hello everyone, I am Anil Kumar, your biology teacher. Hope you are doing great. एक चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं. ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसके बारे में कुछ बेसिक आप पहले भी पढ़ चुके हैं 10th क्लास के अंदर. इस क्लास के अंदर हम थोड़ा सा एक्सटेंशन जो है वो हम करेंगे. Like, आपको लास्ट क्लास की तरह पता ही है कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो स्टार्ट होता है नोज से और टर्मिनेट हो जाता है हमारे लंग्स के अंदर. एंड जो लंग्स है उसके नीचे डायफ्राम होता है. डायफ्राम जो है वो आर्क शेप का होता है और जो डायफ्राम है वो एक ऐसी सीथ है मसल की जो कि सेपरेट करती है किसको, थोरेकिक कैविटी से हमारी जो एब्डोमिनल कैविटी है उसके बीच में सेपरेशन करती है. ठीक है. एंड प्रेशर क्रिएशन के अंदर भी इसका जो है इंपॉर्टेंट रोल है. हम इस क्लास के अंदर थोड़ा सा एक्सटेंशन जो है वो हम पढ़ेंगे जो 10th क्लास का रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका मुकाबले. सो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है स्टार्ट होता है हमारे नोज से. सो नोज से जब एयर जो है वो अंदर जाती है तो बीच में जो है हेयर्स काफी ज्यादा मिलते हैं. सो बीच में है सेप्टम, नोस्टल्स के अंदर काफी सारे हेयर्स है और जो हेयर जो है उसके अंदर एयर जो फिल्टर होती है. फिल्टर होने के बाद जब एयर जब अंदर जाती है, सो लेट्स से ये हमारा नोज है, फिल्टर होके और आगे जाते हैं तो यहाँ पे तीन बोन्स है उनको कहते हैं हम कॉर्निया. ऊपर की तरफ जो है वो सुपीरियर कॉर्निया, बीच में जो है वो मिडल कॉर्निया एंड नीचे की तरफ जो है वो इनफीरियर कॉर्निया. तो तीन बोन है जो हमारे यहां पर प्रेजेंट है. यहां पे उन बोन का फायदा क्या है, देखो बोन के ऊपर जो है एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है जिसके ऊपर ब्लड वेसल काफी ज्यादा है एंड म्यूकस के ग्लैंड वहां पर काफी ज्यादा है. तो जो भी एयर अंदर जाती है वो उस म्यूकस के कॉन्टेक्ट पे आती है और जैसे ही उस वो कॉन्टेक्ट के अंदर आएगी तो अगर बाहर की एयर के अंदर कोई वाटर वेपर अगर प्रेजेंट नहीं है, रिलेटिवली काफी ज्यादा ड्राई है, तो अंदर जाके जो है उसके अंदर ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी. अगर मान लो बाहर एयर जो है काफी ज्यादा ठंडी है तो ब्लड वेसल की सप्लाई यहां पर काफी ज्यादा है तो एयर यहां पे टकरा के गोल गोल घूमती है और जब एयर यहां पे गोल गोल घूमती है तो वो यहां से आगे बढ़ने में टाइम ज्यादा लगाती है. टाइम ज्यादा लगने से क्या होगा कि ब्लड वेसल का जो हीटिंग इफेक्ट है वो उस एयर के अंदर आता है और जब उस एयर के अंदर आएगा तो लेट से बाहर की एयर के अंदर जो है ठंड काफी ज्यादा है यानी कि टेम्परेचर जो है रिलेटिव कम होगा तो अंदर जो एयर आएगी वहां पर टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा. उससे क्या होगा, एक कंडीशनिंग हो जाएगी. अंदर बॉडी का टेम्परेचर कितना है 37 डिग्री सेल्सियस, बाहर का टेम्परेचर कितना है लेट्स से काफी ज्यादा कम है 10-15 डिग्री सेल्सियस है. तो जो भी एयर अंदर जाएगी उसका टेम्परेचर हमारी बॉडी टेम्परेचर के लगभग बराबर जो है वो हो जाएगा. ठीक है. तो यानी कि जो कौन किया है उसके अंदर दो काम होने लगने लग रहे हैं, एक वहां पर हीट ज्यादा प्रोड्यूस होने लग रही है जिसकी वजह से वहां पर कंडीशनिंग होने लग रही है, साथ में मोशनिंग जो है वो होने लग रही है. तो ये जो एयर है यहां पर जो पास हुई है ये उसी नेजल पैसेज के अंदर ही हुई है, नेजल पैसेज. अब 10th क्लास के अंदर आपने ये चीज पढ़ी नहीं थी, अब यहां पर आगे जो है आप ये पढ़ने लगे. ठीक है, बस इतना सा फर्क है, वहां पे ये कॉन्सेप्ट था नहीं, यहां पे आ गया. इसके साथ में कुछ फिल्ट्रेशन प्रोसेस का काम भी होता है यहाँ पे. ठीक है, क्योंकि म्यूकस अगर ज्यादा बनता है तो रिलेटिव नाक से बाहर जो है वो आने लग जाता है इन फॉर्म ऑफ स्पूटम, उसको थूक देते हैं हमारे पे. तो यहां से जब आगे बढ़ता है तो ये वाला पार्ट आ जाता है हमारा फेरिंग्स. एंड फेरिंग्स के तीन पार्ट है, ऊपर वाला भाई नेजो फेरिंग्स, बीच वाला है तो ओरो और नीचे वाला है तो लैरिंगो. तो तीन यहां पर फेरिंग्स जो है वो प्रेजेंट है एंड एयर जो है यहां से पास होती हुई नीचे जाती है. अब यहां से पास होती हुई अगर आपको ध्यान हो तो जो कान है उसकी एक स्थीचियन ट्यूब जो है वो निकलती है. वो ट्यूब कहां पर प्रेजेंट है, इसी नेजो फेरिंग्स के अंदर. एक्चुअली में यहां से जो एयर जाती है और कान के अंदर जो एयर डलती है तो उनके बीच में जो इक्विलिब्रियम मेंटेन रखता है, जो कान का पर्दा है वहां पे जो इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा वो इसी वजह से, क्योंकि यहाँ का प्रेशर यहाँ के प्रेशर को न्यूट्रलाइज कर देता है और अल्टीमेटली जो हमारा कान का पर्दा जो है वो रिलेटिवली जो है ईयर ड्रम जो है वो ठीक रहता है.
तो यहां से पास होकर के फिर ओरोफेरेंक्स, ओरोफेरेंक्स से लेरिंगोफेरेंक्स। अब लेरिंगोफेरेंक्स पे आने के बाद में यहां पर प्रेजेंट है एक फ्लैप, एंड उस फ्लैप का नाम क्या है? एपिग्लोटिस। व्हाट इज ग्लोटिस? ग्लोटिस है ओपनिंग। ओपनिंग किसकी? रेस्पिरेटरी ट्रैक की। तो ये ओपनिंग है रेस्पिरेटरी ट्रैक की, एपी यानी ऊपर, यानी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक की जो ओपनिंग है उसके ऊपर एक फ्लैप है जिसका नाम है एपिग्लोटिस, एंड उसके नीचे एक ऑर्गन प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं लैरिंक्स। अब उसके दो डायग्राम बना रखे हैं, एक फ्रंट व्यू है एंड एक उसका बैक व्यू है। तो जो फ्रंट व्यू है अगर उसके ऊपर देखें तो हायोड बोन जो है वो प्रेजेंट है, थायरॉइड कार्टिलेज है, क्रिकोइड कार्टिलेज जो है वो प्रेजेंट है। तो अगर एयर को यहां पे देखें, देखो ये तो हमारी बोन है हायोड बोन, सॉरी मैक्सिला, यहां से पास होकर के यहां पे देखो ये वाला जो पार्ट है ये हमारा कौन सा है? थायरॉइड कार्टिलेज, बड़ा कार्टिलेज है थायरॉइड कार्टिलेज। कार्टिलेज है तो यानी मूवेबल है, बोन की तरह नहीं है, एक जगह स्ट्रोंग रहे, मतलब एक पोजीशन जो हम बनाए रखे। अगर इसके जस्ट ऊपर की तरफ देखोगे तो यहां पर थोड़ा सा गैप है एंड उसके ऊपर एक बोन है, जो उसके ऊपर बोन है वो है हायोड बोन। तो इसके ऊपर एक बोन है जिसको हम कहने लग रहे हैं हायोड बोन, एंड हायोड बोन थायरॉइड कार्टिलेज के नीचे एक और कार्टिलेज है जिसको कहने लग रहे क्रिकोइड कार्टिलेज। जैसे ये है, ये क्रिकोइड कार्टिलेज है, इसके बीच में भी गैप मिलेगा, क्रिकोइड कार्टिलेज, ठीक है, थायरॉइड कार्टिलेज, एंड इसके ऊपर जो है हमारा हायोड बोन जो है वो प्रेजेंट है। तो तीन कार्टिलेज हैं। इसके बैक पे अगर हम देखें एपिग्लोटिस है, ये एपिग्लोटिस, ठीक है, यानी वो फ्लैप जो यहां पे प्रेजेंट था, एंड इसके नीचे जो है अरिटिनोइड, अरिटिनोइड कार्टिलेज है एंड कॉर्निकुलेट कार्टिलेज है। हम ये डायग्राम क्यों बताने लग रहे हैं? देखो जो ये हमारा थायरॉइड कार्टिलेज है ना, ये जो आगे प्रेजेंट है, और जो हमारी ये क्रिकोइड कार्टिलेज है, इसके साथ में वोकल कॉर्ड प्रेजेंट है, और वोकल कॉर्ड के बीच में जो है गैप है जिसको बोलते हैं रिमा ग्लोटिस। तो उससे क्या होता है, एक सिंपल सी चीज है भाई, अगर किसी इंस्ट्रूमेंट के बीच में से अगर स्पेस हो और वहां से अगर एयर गुजरे तो क्या होगा? कोई ना कोई आवाज आएगी, हवा गुजरने से आप बोलने लग रहे हो, है ना। तो बोल कैसे रहे हो? अगर हम टेक्निकली अगर समझे तो आपके लंग से एयर निकलने लग रही है और समहाउ यहां पर कुछ हुआ जिसकी वजह से आवाज आने लग रही है। एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, जैसे कि आप बोलो इफ यू से आ तो इसको देखना क्या हुआ है। आ जैसे ही आ होता है ये फैलता है, बड़ा होता है आ आ, और अगर आप ऊ कहें ऊ, उसमें ये फैला नहीं है बल्कि पीछे से जो है थोड़ा एक्सटेंड हुआ है। और म, और अगर आप जैसे बोलते म, तो अगर आप इस जगह को देखो, जैसे जैसे आप अलग अलग साउंड निकालोगे, जैसे जैसे अलग अलग स्वर निकालोगे, तो इसकी जो स्ट्रक्चर जो है वो चेंज होती है, एंड उसकी स्ट्रक्चर के चेंज होने से क्या होता है, इनके बीच में स्पेस जो है वो कम बनते हैं, कभी ज्यादा बनते हैं, इसके अंदर वाइब्रेशन जो है वो ज्यादा बनते हैं, और उन वाइब्रेशन से क्या होता है अल्टीमेटली वो जो एयर जो है वो एक डिफरेंट पैटर्न से जाके गुजरती है, और जब डिफरेंट पैटर्न से जो एयर जो है ऊपर आती है तो आपके टंग, आपका जो माउथ है और जो लिप्स है उसके हिसाब से जो है एक साउंड जो है प्रोड्यूस होती है। जैसे कि अगर आपको बोलना है पा फा बा भा मा, पा 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 पा, लिप्स ज्यादा काम करने लगे, पा 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 फा बा भा मा। लेट्स से आपको बोलना है ता था दा धना, ता था दा धना,
लिप्स इतने काम नहीं करने लग रही थी, जितने दांतों पे टंग जो है वो काम करने लग रही है, ता 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 ता। अच्छा ऐसे ही अगर आपको क ख ग घ क क दांत पे कोई इफेक्ट नहीं होने लग रही, अंदर जो गला जो है वो ज़्यादा काम करने लग रहा है, ऐसे ही ट ट डा ढाणा। आई वॉन्ट यू टू प्रैक्टिस एंड फील कि एक्चुअल में हमारी जो साउंड जो है वो ऐसे ही नहीं निकलती, ये आपके गला और जो आपके माउथ के अंदर जो समहाउ की जो अरेंजमेंट हुई है उसकी वजह से साउंड जो है वो आने लगने लग रही है। जैसे अगर आप बोलोगे ता था द तो ता ता, टंग पे बार बार में टंग जो है दांतों पे लगने लग रही है। सिमिलरली पा फा बा भ मा, जो लिप्स जो है वो ज़्यादा काम करने लग रहे हैं। क ख ग घ ऐसे ही, च छ ज झ ऐसे, त था द ध। तो अगर आप देखोगे तो देर इज अ डिफरेंट पैटर्न पैटर्न विच ओकर इन साइड योर माउथ थ्रू विच जो एयर है वो एक सर्टेन पैटर्न जो है वो फॉलो करती है, जिसकी वजह से एक साउंड जो है प्रोड्यूस होता है। अगर आप खाली अपना जो हैंड जो है अगर आप सीधा यहाँ पे लगाओगे एंड बोलना स्टार्ट करोगे, यू विल फील कि यहाँ पर वाइब्रेशन होते हैं, एंड जब यहाँ पर वाइब्रेशन होने लग रहे हैं वही वाइब्रेशन सम हाउ जो है साउंड जो है प्रोड्यूस करते हैं, जब आपके माउथ का जो अपरेटस है वो एक डिफरेंट तरीके से बनता है। अगर आप फ्लूट को देखो, जैसे बांसुरी को भी देखोगे, तो उसके अंदर भी सर्टेन होल्स होते हैं एंड वो सिलेंड्रिकल एक स्ट्रक्चर है। तो अगर वहाँ पे एक साइड से एयर अगर पास करें एंड एक स्पेसिफिक पैटर्न से अगर उसको बंद करें, उसके जो होल जो है उसको बंद करेंगे, तो साउंड जो है अलग टाइप की आएगी। सिमिलरली अगर आप सहनाई को देखोगे या फिर किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट को देखोगे, तो उसके अंदर भी यही है, हवा पास की जाती है एंड फिर उसको अलग अलग पैटर्न के द्वारा जो है फ्लो करवाया जाता है, जिसकी वजह से एक अलग इफेक्ट जो है वो आता है। तो यानी कि हमारा जो बोलना है वो बोलना एक स्पेसिफिक ऑर्गन की वजह से है, जिसको हम बोलते हैं लैरिंग्स, लैरिंग्स जिसको हम वॉइस बॉक्स बोलते हैं। एंड वॉइस बॉक्स इसी वजह से क्योंकि इसके अंदर जो है वोकल कॉर्ड जो है प्रेजेंट है, हमारे पर्टिकुलरली जो थायरॉइड कार्टिलेज है और जो अरेटिनोइड कार्टिलेज है, अरेटिनोइड के ऊपर ही कॉर्निकुलेट कार्टिलेज प्रेजेंट है एंड वो हिलते हैं। जब वो हिलते हैं तो जो वोकल कॉर्ड जो है वो भी हिलती है, जो एयर जो है वो इस रिमा ग्लोटिस यानी जो बीच का जो स्पेस है उससे बाहर निकलते है, उसकी वजह से जो है वो आ जाती है। आप इस तरीके से भी समझ सकते हो, अगर आप चिल्लाएं, अगर आप काफी जोर से चिल्लाएं, चिल्ला के देखना ठीक है, अगर आप अगर अगर जैसे बोलते हो तो आवाज ज्यादा निकलती है, लेकिन जैसे ही अगर आप थोड़ा आराम से बोलते हो तो यू विल फाइंड कि जो एयर जो है माउथ से वो रिलेटिवली कम आती है। तो होप आपको समझ में आ गया और ये चीज, एयर जो है वहां से एयर जो है फिर यहां से पास होकर के अल्टीमेटली नीचे की तरफ जाती है, नीचे की तरफ जो है उसको बोलते हैं हम ट्रैकिया। तो ट्रैकिया के ऊपर जो है कार्टिलेज की रिंग जो है वो लगी हुई है, ये आपने 10th क्लास के अंदर भी पढ़ा होगा, जो कार्टिलेज की रिंग जो है वो इसी वजह से ही है क्योंकि एयर जो है वो पास होती है प्रेशर से, और प्रेशर अगर कम हो तो ये बंद ना हो जाए तो हमेशा ये खुली रहे, इसी वजह से इसके ऊपर जो है कार्टिलेज की जो रिंग जो है वो प्रेजेंट है, सी शेप की होती है, यानी ऊपर की तरफ यानी आगे की तरफ तो कार्टिलेज की रिंग है लेकिन पीछे की तरफ जो कार्टिलेज की रिंग नहीं है। उसके बाद में बीच में सेंटर का जो एरिया है वहां पर ये दो पार्ट पे जो है डिवाइड हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं ब्रोंकाई। अब जो ब्रोंकाई है उस ब्रोंकाई के डिवीजन के अंदर अब दो लंग जो है वो प्रेजेंट है, एक राइट लंग है, एक जो है हमारा लेफ्ट लंग है, और यह अगर हम राइट वाले लोब को देखते हैं तो तीन लोब के अंदर डिवाइडेड है, एक सुपीरियर है, एक इन्फीरियर लोब है और एक मिडल लोब है। ये वाला बड़ा होता है, इसको काटने के लिए यहाँ पे फिशर प्रेजेंट है, एक हॉरिजॉन्टल फिशर होता है, एक ओब्लिक, ओब्लिक यानी टेढ़ा, ये थोड़ा टेढ़ा है तो ओब्लिक फिशर, ये सीधा है तो हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल फिशर, ये अपना हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल फिशर, ये हमारा ओब्लिक फिशर। जो हमारे लंग जो है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकते हैं, एक स्पॉन्ज टिश्यू की तरह काम करते हैं, इसके चारों तरफ जो है एक मेम्ब्रेन और प्रेजेंट है, बता सकते हैं उसका नाम क्या है, प्लूरा, ठीक है। इसके अंदर जो है एक फ्लूड होता है जिसको प्लूरल फ्लूड कहते हैं, सीरस फ्लूड भी कह देते हैं, ताकि जो लंग जो है कॉन्ट्रैक्ट अगर रिलैक्स होते हैं तो उसके अंदर कोई भी किसी भी तरीके का फ्रिक्शन जो है वो ना हो।
लंग जो है वो प्रोटेक्टेड है किससे, लंग जो है वो प्रोटेक्टेड है हमारी रिब केज से। तो यहां बीच में एक बोन है जिसको कहते हैं स्टर्नम, और स्टर्नम से और पीछे जो हमारी वर्टेब्रल कॉलम है उनके बीच में एक रिब्स का केज है, और रिब्स का केज जो है 12 रिब्स जो है वो लगी हुई होती हैं जो प्रोटेक्ट रखती हैं। इन रिब्स के बीच में भी मसल प्रेजेंट है, रिब के बीच में, जिसको बोलते हैं हम इंटरकोस्टल मसल, इंटरकोस्टल मसल। इंटरकोस्टल मसल इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर रिब केज को ऊपर या नीचे की तरफ करना हो तो उसके लिए जरूरी है कि एज एन कैविटी वो एक यूनिट जो है वो बिहेव करे। इसके अलावा अगर आप देखें ट्रेकिया जब डिवाइड हुआ तो ब्रोंकाई कह दिया, तो आगे जब डिवाइड होगा तो प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर उसके बाद में और अगर डिवीजन होगा तो सेकेंडरी, फिर टर्सरी, टर्सरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, एंड लास्ट में उसको बोलते हैं हम ब्रोंक्यूल। तो जब तक ब्रोंक्यूल नहीं बनता तब तक कार्टिलेज की रिंग जो है कंटिन्यूअस है, साथ में म्यूकस भी सिक्रेट होता रहता है ताकि अगर कोई डस्ट वगैरह अगर अंदर चली जाए तो म्यूकस जो है यहाँ पे वो सिलिएटेड एपिथीलियम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, प्रोपेल करते हैं कि जो म्यूकस जो है वो ऊपर की तरफ जाए और जो वेस्ट जो है वो बाहर निकल जाए। ठीक है, उसके बाद जब आगे चलते हैं तो ब्रोंक्यूल जो है वो टर्मिनेट हो जाते हैं कुछ ग्रुप ऑफ बैलून्स के अंदर जिसको कहते हैं हम एल्वियोलाई। एल्वियोलाई एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जहां पर एक्चुअल में गैसेज एक्सचेंज होता है। एक एल्वियोलाई के चारों तरफ ब्लड वेसल जो है प्रेजेंट होती है, यहां से ब्लड वेसल इसको क्रॉस किए हुए हैं एंड ये ब्लड वेसल इसी वजह से है ताकि गैसेज एक्सचेंज जो है इसके ऊपर आराम से हो सके। हमारे जो बॉडी है उसके अंदर जो एलोलाई है वो अराउंड मिलियंस ऑफ होते हैं, एंड ये अगर आप 10th क्लास की अगर चीजें याद हो तो वहां पे बताया भी गया था कि सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए हमारे अंदर मिलियंस ऑफ एलोलाई जो है वो पाए जाते हैं। हमारा जो एक लंग है यानी जो लेफ्ट लंग है वो थोड़ा छोटा है, वो छोटा इसी वजह से क्योंकि बीच में जो है हर्ट जो है वो आ जाता है, यहाँ पे हर्ट आता है थोड़े लेफ्ट साइड पे जो है प्रेजेंट है, तो उसकी एक नोच जो है वो अंदर गई हुई है लेफ्ट साइड पे। इसके नीचे एक मस्कुलर सीथ है जिसको बोलते हैं हम डायाफ्राम, और जो ये डायाफ्राम है वो एक थोरेकिक कैविटी को सेपरेट कर देता है, तो ये कैविटी के अंदर है जिसको बोलते हैं हम थोरेकिक कैविटी। एंड थोरेकिक कैविटी के अंदर होता क्या है कुल मिला के, आपने पढ़ा होगा 9th क्लास के अंदर कार्ड था कि हम सिलोमेट है तो इसका मतलब हमारे अंदर जो है सिलोम प्रेजेंट है। तो सिलोम प्रेजेंट होने से क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर कई सारी खाली जगह है, उस जगह पे ऑर्गन रखे हुए हैं, तो थोरेकिक कैविटी के अंदर दो लंग जो है वो रखे हुए हैं, एक लंग बड़ा है एक लंग छोटा है, और जो लंग काफी ज्यादा बड़ा है उसके तीन लोब है, छोटे के दो लोब है। अगर आप यहां पे देखें तो ये एक ट्री के जैसा है, इसको हम कह देते हैं ब्रोंकियल ट्री। एलोलाई का जो सरफेस जो है वो काफी ज्यादा छोटा होता है एंड यहां पर कई सारी जो है WBC भी प्रेजेंट होते हैं ताकि डस्ट वगैरह अगर अंदर चली जाए तो यहाँ से जो है इंगल्फ कर ले ताकि सफाई जो है ज़्यादा उसके इसके अंदर कंपेरेटिवली एयर तो होती है ही, बट वाटर की मेम्ब्रेन भी होती है ताकि ऐसे एक्सचेंज जो है वो आराम से उसके। इसके अलावा यहाँ पर सर्फेक्टेंट जो है वो प्रेजेंट होते हैं ताकि एलोलाई को जो है हमेशा जो है वो खुले रखे। आई होप वो ये टॉपिक जो आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।